एक बार एक किसान ने बहुत प्रयास कर रहे थे खेत जोतने का, हल चलाने का। धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान हतोत्साहित करा दिया, परेशान करा दिया और उस दिन बारिश नहीं हुआ। बारिश नहीं हुआ तो किसान को लगा कि चलो अब बारिश नहीं हुआ, भगवान के भरोसे हम हैं। तो किसान लोगों ने अपना बुढ़िया बिस्तर में अपना हल ये सब बंद कर दिया। फिर जब बादल ने पूछा कि क्या क्यों बंद कर दिए तुम हल को, तो किसान बोला कि भाई मेरा भाई जब बारिश ही नहीं हो रहा है तो क्या करें, बंद कर देंगे। लेकिन एक किसान उसी में डट कर रहते रहते डट कर मुकाबला किया और वो अपना लगातार प्रॉपर काम करता रहा, प्रॉपर काम करता रहा उस क्षेत्र में। धीरे 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 बादल पूछा उससे, क्यों तुम काम बंद क्यों नहीं कर रहे हो, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं और तुम काम कर रहे हो। तो किसान कहता है कि भाई क्या पता, भगवान मेरे भरोसे ही बैठा है कि मैं काम करते करते बादल पड़े या मैं खेती में काम करते करते जैसे ही बादल पड़े। तो बादल सोचता है कि जब बादल सोचकर ये बोलता है कि क्या क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्या तुम भूल जाओगे क्या। तो किसान कहता है हाँ, अगर 10 सालों अक्षर नहीं पढ़ा तो मैं 10 सालों में भूल जाऊँगा। तो बादल जैसे ही ये भी सोचता है कि जब 10 सालों में भूल जाऊँगा, तो तुरंत वो भी कहता है कि शायद हम भी बरस लेते हैं, नहीं तो 10 सालों में हम भी भूल जाएंगे। इससे यही है कि लगातार मेहनत करते रहें तो बादल जैसे ही बरसता है तो जो बोरिया की सर बंद कर लिए थे उनका अनाज तो उपज नहीं पाएगा, और जो प्रॉपर रेगुलरली अपना उस काम में लगे हुए हैं उनका खेत अच्छा उपज हुआ, अच्छा फसल पैदा हुआ। इसलिए मेहनत हमेशा करना चाहिए। धन्यवाद।